फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है, थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ड्यूअल साइकिल के एफिशिएंसी को लेके बात करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे ड्यूअल साइकिल में पहला चीज प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। तो अगर हमको पता है तो ड्यूअल साइकिल में बेसिकली पांच तरीके के प्रोसेस होते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। तो ये हमारे पास पांच तरीके के प्रोसेस है जिसका हमने पीवी और टीएस डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग एक बार प्रोसेस को देखेंगे और प्रोसेस को देखने के बाद इसका फाइनली जो हमें एफिशिएंसी मिलने वाला है इन द टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो एक बार हम लोग चीजों को समझते हैं। तो ये देखिए जो हमारे पास प्रोसेस है, फर्स्ट हमारा 1 to 2, दैट इज द रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो ये हमारा देखिए प्रोसेस 1 से 2 है जो कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है, दिस इज द पीवी डायग्राम। नेक्स्ट अगर आप आओगे 2 से 3 आपका दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए है। नेक्स्ट आपका 3 to 4 दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर। अब याद रखिएगा कि इसमें हमारा क्या है, 2 to 3 और 3 to 4 दोनों में आपका क्या होता है, हीट एडिशन होता है। नेक्स्ट आप आओगे 4 to 5 के लिए, तो 4 to 5 दिस इज द रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और नेक्स्ट आप देखोगे 5 to 1 दैट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो ऑटो डीजल ड्यूअल हमने तीनों के साथ देखा हुआ था कि जो हमारा हीट रिजेक्शन होता है वो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होता है, ठीक है। और इसी को हमने क्या है टीएस डायग्राम में प्लॉट किया हुआ है, दिस इज द 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। और यहां पर 2 से 3 एंड 3 से 4 दोनों में आपका क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है। लेकिन ये आपका 2 से 3 दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और हमको पता है कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आपका टीएस डायग्राम पे स्लोप बनता है दैट इज ग्रेटर देन कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपका 2 से 3 दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 3 to 4 दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान रखिएगा ये सब छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, 2 to 3 आपका स्लोप ज्यादा दिखेगा एंड 3 to 4 का जो स्लोप है वो 2 to 3 के कंपेरिजन में कम होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 4 to 5 एंड 4 to 5 इज द रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और नेक्स्ट आपका 5 to 1 है दैट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ठीक है। अब देखिए इसमें अलग अलग टर्म्स हमारे डिफाइन होने वाले हैं, दैट इज द कंप्रेशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो एंड प्रेशर रेशियो, ठीक है। इवन एक्सपेंशन रेशियो भी आपका डिफाइन होगा। तो यहां पर एक बार टर्म्स को समझते हैं, उसके लिए मुझे एक सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए मैं एक सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट बना रहा हूं। इसके बाद अगर हम लोग इस पर बात करें तो इस पर मैं अलग अलग टर्म्स को हम लोग डिफाइन करते हैं किस तरीके से। देखिए ये आपका एक पोजिशन है, यहां पर मान लीजिए ये आपका प्रोसेस 1 से 2 चला है, तो दिस इज द प्रोसेस 1। और 1 से आप देखोगे तो ये आपका प्रोसेस कहां जा रहा है, 1 से 2 की तरफ। यहां पर देखिए ये आपका ड्यूअल साइकिल है, ड्यूअल साइकिल में हमारा फ्यूल यूज होता है डीजल, और यहां पर जो आपका यूज होता है वो आपका क्या यूज होता है, दैट इज द फ्यूल इंजेक्टर। और यहां पे अगर बात करेंगे तो 2 वाल्व होता है, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, सब आपने पढ़ रखा है। हमको बेसिकली क्या है डेरिवेशन पे फोकस करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये हमको टर्म्स को समझना जरूरी है। ये हमारा देखिए 1 से 2 पहला क्या होता है, कंप्रेशन होता है। नेक्स्ट हमारा 2 से 3 दैट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तो ये जो आपका पोर्शन 2 है, 2 से यहीं पर आपका क्या होगा, पिस्टन आके स्टॉप होगा, और 2 से 3 हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम है। नेक्स्ट हमारा 3 से 4 दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या है कि जैसा जैसा इसमें फ्यूल को इंजेक्ट करेगा ये आपका पिस्टन क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा। और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है दिस इज द पॉइंट 3 to 4, और जो 3 to 4 आपको दिख रहा है ये आपको क्या दिख रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज अ 4 to 5 रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो ये आपका दिख रहा है 4 to 5, और 4 to 5 ये आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ। और नेक्स्ट हमारा 5 to 1 दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो ये आपका 5 to 1 आपका बना कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। और अगर हम लोग इस पे बात करें तो ये चीज हम लोग ऑटो और डीजल साइकिल में भी देख चुके हैं क्या, कि ये आपका 1 से 2 जो 2 वाला पोर्शन है, ये आपका जो 1 से 2 है दिस इज द स्वेप्ट वॉल्यूम, ये क्लियर है। और यहां पे अगर बात करेंगे तो इस एरिया में जो कि आपका पिस्टन एंटर नहीं कर पाता है ये आपका क्या बनेगा, दिस इज द क्लीयरेंस वॉल्यूम, ये आपका स्वेप्ट वॉल्यूम बन रहा है। और ये आपका क्या है, क्लीयरेंस वॉल्यूम है।
तो अगर इस चीज में देखा जाए तो यहीं से हमारा टर्म्स डिफाइन होता है। और अब मैं आगे मूव कर रहा हूं डेरिवेशन ऑफ एफिशिएंसी, तो देखते हैं एफिशिएंसी को डिफाइन करने के लिए इसमें कुछ टर्म्स को डिफाइन करना पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका क्या होगा एफिशिएंसी डिफाइन होने वाला है। तो सबसे पहला यहां पर देखिए जो आपको दिख रहा है 1:2, तो 1:2 हमारा कंप्रेशन रेशियो है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके लिए, कंप्रेशन रेशियो के लिए, ठीक है। तो कंप्रेशन रेशियो आर इक्वल टू अगर हम लोग देखेंगे तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, दिस इज द, अगर आप देखोगे तो ये V1 अगर देखे तो ये पूरा V1 है और यहां तक का पोर्शन आपको क्या दिख रहा है, ये V2, और V2 इक्वल टू क्या है, V3 है। तो V2 और V3 तो आपका एक ही पॉइंट है, तो ये मान लीजिए कि V2 लिख लेते हैं, तो यहां पर R को लिखा जा सकता है क्या, दिस इज V1/V2, ठीक है। बाकी आप R के फॉर्मेट में हम लोग लिख चुके हैं, बाकी आप VS+VC के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हालांकि डेरिवेशन में काम नहीं आएगा लेकिन आपको न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ सकता है। क्या अगर मैं ये V1 की बात करूं तो V1 में क्या होगा, दिस इज द VS+VC, तो V1 को हम लोग यहां पर लिख सकते हैं आर इक्वल टू, यहां पर लिखा जा सकता है क्या, VS+VC डिवाइड बाई, अगर मैं V2 को लेके बात करूं तो ये हमारा पोर्शन क्या है V2, दिस इज द VC, तो यहां पर हमने लिख दिया इसको VC, और R इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो यहां पर फाइनली लिखा जा सकता है क्या, 1+VS/VC, ये आपको क्लियर है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट आया हुआ है, दैट इज द कंप्रेशन रेशियो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए 2 से 3 के बीच में, देखिए 2 से 3 के बीच में आपका वॉल्यूम क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ये अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो यहां पर जो आपका डिफाइन होता है दैट इज द प्रेशर रेशियो। ध्यान रखिएगा प्रेशर रेशियो और वॉल्यूम रेशियो को लेकर लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। 2 से 3 वाला पोर्शन है, जब आप इस पर प्रेशर रेशियो की बात करोगे तो क्या होगा, P3/P2। और एक चीज और, यहां पर मैं जितने भी रेशियो की बात कर रहा हूं ये मैं अभी लिख रहा हूं, अभी मैं इसको रफ कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस रेशियो। प्रोसेस रेशियो में आपके कौन कौन से रेशियो आने वाले हैं, अभी मैं जितने टर्म्स के रेशियो की बात कर रहा हूं, यहां पर आपका 1:2 आएगा दैट इज द कंप्रेशन रेशियो, फिर 2 से 3 आएगा प्रेशर रेशियो, 3 से 4 आएगा अगेन आपका कट ऑफ रेशियो, 4 to 5 आएगा आपका एक्सपांशन रेशियो। जितने भी आपको रेशियो हैं ये सभी के सभी रेशियो क्या होंगे, ग्रेटर देन 1 मिलने वाले हैं। यहां पे जैसे हम लोग बात किए R इक्वल टू V1/V2 मैंने लिखा हुआ है, तो V1 इज ग्रेटर देन V2। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2 से 3 प्रोसेस को लेके, ठीक है। तो 2 से 3 में अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा डिफाइन होता है दैट इज कॉल्ड प्रेशर रेशियो। ये जो आपका 2 से 3 है यहां पर आपका डिफाइन होता है प्रेशर रेशियो, और प्रेशर रेशियो जो होता है इसको देखो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से डिफाइन है, कहीं पर ये अल्फा पी लिखता है, कहीं पर अल्फा लिखता है, मैं यहां पर अल्फा लिख रहा हूं, आप अल्फा पी भी यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं प्रेशर रेशियो को प्रोसेस रेशियो को अगर मैं डिफाइन करूं तो प्रेशर रेशियो में अगर आप देखेंगे तो ये आपका P3/P2, अगेन P2/P3 नहीं लिखना है क्योंकि ये आपका प्रेशर वर्टिकल एक्सिस पे मेजर हो रहा है। तो यहां पर हमने अल्फा इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, दिस इज इक्वल टू P3/P2, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा 3 to 4 हमारा, देखिए यहां पर आपका फ्यूल इंजेक्ट करना स्टार्ट किया था, ठीक है, और इस पॉइंट पे आने के बाद फ्यूल इंजेक्ट करना बंद कर दिया है। तो जो आपका फ्यूल इंजेक्ट करना स्टार्ट किया और जिस पॉइंट पर फ्यूल इंजेक्ट करना बंद कर देता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ पॉइंट। ये जो हमारे पास पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कट ऑफ पॉइंट। इस पॉइंट पे आप देखोगे तो जो हमारा डीजल इंजन है वो फ्यूल इंजेक्ट करना बंद कर देता है, और ये वाला जो पॉइंट कट ऑफ पॉइंट हमारा डिफाइन हुआ है यहीं से हम लोग रेशियो को डिफाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड कट ऑफ रेशियो। तो यहां पर हमने एक रेशियो हमको और मिला दैट इज कॉल्ड कट ऑफ रेशियो, और इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं रो से, किसी किसी बुक में आपको अल्फा सी लिखेगा, ठीक है। और यहां पर रो है, रो की इक्वल टू वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगेन अब इसको वॉल्यूम के फॉर्मेट में लेना है और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 3 to 4 के बीच में है, क्या लिखेंगे, V3/V4 या V4/V3। तो यहां पे आप देखोगे तो दिस इज V4/V3, ठीक है। नेक्स्ट 4 to 5 में आप देखिए क्या है, एक्सपांशन चल रहा है, एक्सपांशन से यहां डिफाइन होता है क्या, एक्सपांशन रेशियो। तो यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे हमारा टर्म्स डिफाइन होता है दिस इज द एक्सपांशन रेशियो, और एक्सपांशन रेशियो को हम लोग क्या लिखते हैं, ई, ठीक है। और यहां पे अगर बात करेंगे तो एक्सपांशन रेशियो को हमको डिफाइन करना है तो ये ई से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब बताइए V4 और 5 के टर्म्स में डिफाइन होगा तो V5 इज ग्रेटर देन V4, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, V5/V4, क्लियर है यहां तक। अब सुनिए इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर सकता हूं क्या, किस तरीके से, देखिए यहां पे डायग्राम में ये आपका 4 to 5 है,
ये 5v5 इक्वल टू क्या होगा, v1 होगा। यहाँ पे आप देखिए दिस इज v5 इक्वल टू v1, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं v5 को v1, तो यहां पर हमने लिख दिया v1 बाई v4। क्लियर? अब सुनिए थोड़ा सा छेड़खानी इसके साथ क्या करना है। v1 बाई ये आपको दिख रहा है v4, ठीक है, यहां पर 2 का ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये जो आपका है 2, इसको हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपको दिख सकता है क्या e इक्वल टू, यहां पर आपको दिखा v1 बाई v2 इंटू ये आपको क्या दिखेगा v2 बाई v4। क्लियर है? अब एक बार देखिए यहां पर कोई रेशियो हमारा अगर एडजस्ट हो रहा हो तो यहां पे देखिए ये जो हमारे पास कंडीशन आया हुआ है, तो ये आपका 5 है, ये आपका पोर्शन 4 है। v1 बाई v2 को हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, दिस इज द v1 बाई v2, यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं r, और v2 बाई v4 आप देखिए यहां पर, और v4 का जो पोर्शन है और v2 वाला देखिए, इस v2 इक्वल टू v3 लिख सकता हूं क्या, यहां पे अगर आप देखो v2 इज इक्वल टू v3, तो v2 इक्वल टू हमने यहां पर लिख दिया v3, और इसको v2 को v3 लिख रहा हूं, तो फाइनली मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, v1 बाई v2 इंटू v2 को हमने लिख दिया v3, और v4 हमारा पोर्शन बन गया ये। तो फाइनली अगर आप देखो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, e इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा v1 बाई v2, ये आपका क्या बना r, तो v1 बाई v2 को हमने यहां पर लिख दिया r डिवाइड बाई v3 बाई v4, तो ये आप देखोगे तो v4 बाई v3 है, तो मतलब डिवाइड बाई आ जाएगा, और r इक्वल टू e बाई रो, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल कर आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो ये हमारे पास है एक्सपांशन रेशियो। अगर हमको डेरिवेशन को देखना है ड्यूअल साइकिल के लिए, तो हमको ये टर्म्स क्लियर होना जरूरी है, अगर ये टर्म्स हमारा क्लियर है तब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा डेरिवेशन क्या होगा। बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन चीजें क्लियर है एकदम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 पेज का डेरिवेशन है तो पूरा उठा के हम लोग 2 पेज को मगना चालू कर दिए हैं, उस तरीके का कंडीशन बिल्कुल नहीं है। यहां पर देखिए करना क्या है, हमें सबसे पहले एफिशिएंसी निकालना है। तो अब मैं फाइनली आता हूं क्या एफिशिएंसी ऑफ ड्यूअल साइकिल पे। तो ड्यूअल साइकिल का देखो किसी भी टर्म्स का एफिशिएंसी निकालना है तो हम लोग क्या लिखते हैं डब्ल्यू नेट बाई क्यू सप्लाई, तो यहां पर हमने लिख दिया डब्ल्यू नेट बाई क्यू सप्लाई, और देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू नेट को क्यू सप्लाई माइनस क्यू रिजेक्शन, और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या क्यू रिजेक्शन डिवाइड बाई क्यू सप्लाई, ठीक है। अब देखिए क्यू रिजेक्शन कहां कहां चल रहा है और क्यू सप्लाई हमारा कहां कहां चल रहा है। अगर मैं क्यू रिजेक्शन की बात करूं तो पहले टर्म्स को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग यहां पुट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो क्यू रिजेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो क्यू रिजेक्शन हमारा कहां से हो रहा है, देखो टीएस डायग्राम के बीच का एरिया क्या शो करता है, हीट ट्रांसफर शो करता है, और ये 5:1 अगर आप देख रहे हो तो हमारा हीट रिजेक्शन प्रोसेस है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग क्या लिखेंगे MCV dT होता है, तो हमने MCV, अब सुनो डीटी को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि जो हमारा डीटी है वो किस तरीके से चलता है। डीटी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यहां पर आप देखोगे तो T1 इज द फाइनल स्टेट, तो T1 माइनस T5 होगा, लेकिन हीट रिजेक्शन में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं निगेटिव, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जब माइनस को अंदर ले जाओगे तो फाइनली क्या बनेगा ये T5 माइनस T1। क्लियर है यहां तक? आप कई लोगों को डाउट होगा नहीं समझ में आया तो देख लो क्या बड़बड़ाया था मैं अभी, ये आपको क्यू रिजेक्शन इक्वल टू माइनस साइन, माइनस साइन क्या बोल रहा था MCV dT होता है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या MCV dT, और dt मतलब क्या होता है t फाइनल माइनस t इनिशियल, तो t1 माइनस क्या हो जाएगा t5, तो यहां पर हम लोग इसको लिखेंगे t1 माइनस t5, बस यही चीज हमने लिखा है, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो t5 माइनस t1 आपको दिखेगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आगे बढ़िए, ये हमारा क्यू रिजेक्शन था, अब हम लोग देखते हैं क्या क्यू सप्लाई। अब यहां पर आप देखोगे तो क्यू सप्लाई आपका 2 प्रोसेस में हो रहा है, एक हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है और एक हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो दोनों प्रोसेस के लिए हमको निकालना पड़ेगा। तो यहां पर क्यू सप्लाई की अगर मैं बात करूं कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं MCP dT, तो MCP dT के लिए क्या लिखो टी फाइनल माइनस थ्री इनिशियल, तो क्या हो जाएगा यहां पर T3 माइनस T2, तो यहां पर हम लोग लिख दिए क्या कॉन्स्टेंट, सॉरी देखो ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर है, दोनों प्रोसेस के लिए लिखना है। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे लिख रहे हो तो T4 माइनस T3, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या T4 माइनस T3। क्लियर? उसी तरीके से कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एम
सीवी, और यहाँ पे आप देखो तो क्या लिख सकते हैं, टी थ्री माइनस टी टू, ये वाला पोर्शन टी थ्री माइनस टी टू। तो यहां पर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए हमने लिख दिया टी थ्री माइनस टी टू, क्लियर यहां तक। अब क्यू रिजेक्शन आ चुका है, क्यू सप्लाई आ चुका है, अब इसको उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो रखते हैं यहाँ पर वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ड्यूअल साइकिल का एफिशिएंसी की बात चल रही है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वन माइनस, दिस इज द क्यू रिजेक्शन। क्यू रिजेक्शन आपको क्या दिख रहा है, दिस इज फाइव टू वन, फाइव टू वन में आपका क्यू रिजेक्शन है ये वाला पोर्शन, तो इसको हमने लिख दिया क्या, एम सी वी, और यहां पर हमने क्या लिखा, टी फाइव माइनस टी वन, दिस इज टी फाइव माइनस टी वन, ठीक है, डिवाइड बाई। यहाँ पे बात करते हैं क्यू सप्लाई का, सप्लाई हमारे पास क्या दिख रहा है, दो प्रोसेस के लिए यही दोनों, तो ये दोनों को लिखना पड़ेगा, लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, एम सी पी, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, टी फोर माइनस टी थ्री, और प्लस यहाँ पर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे भी हीट एडिशन हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख दिए क्या, एम सी वी, और फाइनली यहाँ लिख सकते हैं क्या, टी थ्री माइनस टी टू, ठीक है। अब ये देखो एम वाला कहानी तो ऊपर नीचे खत्म है, सीवी को आप नीचे ले आओ और देखो क्या बचता है। अगर हम लोग बात करें आते हैं अगेन, यहां देखेंगे ड्यूअल साइकिल का एफिशिएंसी वन माइनस, ये जो आपका सीवी वाला पोर्शन है नीचे ले आई है, तो ये हम देखेंगे यहां पर, तो देखो टी फाइव माइनस टी वन, तो ये हमने लिख दिया टी फाइव माइनस टी वन, क्लियर। आगे बढ़िए और नीचे ले आए हैं, मास वाला तो खत्म है, सीपी बाई सीवी को मैं डायरेक्ट यहाँ गामा लिख देता हूं, और यहाँ पे हमको मिलेगा क्या, T4 माइनस T3, क्लियर। प्लस यहां पे CV वाला कहानी खत्म है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, T3 माइनस T2, क्लियर है। तो ये हमारे पास ड्यूअल साइकिल का एफिशिएंसी है, और यहां पे अगर हम लोग बात करें तो देखो, अब देखिए यहां पर हमने कुछ भी नया नहीं किया, सिर्फ कैलकुलेशन चला है, ठीक है। अब यहां से चीजें आपको करनी क्या है, इस चीज को सिंप्लीफाई करना है, और ये वाले टर्म्स के रेशियो में जो टर्म्स दिख रहा है इसमें रिप्लेस करना है। आपको करना क्या पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, ये जो अलग अलग टेम्परेचर का रेंज दिया हुआ है, क्यों ना एक काम किया जाए, देखो T5, T1, T4, T3, T2 सब टेम्परेचर इसमें आके इन्वॉल्व हो गया है। हम लोग एक सीधा सीधा काम क्या करते हैं, जितना भी यहां पर टेम्परेचर दिया है सबको किसी एक टेम्परेचर के फॉर्म में लेके आते हैं, उसके बाद जब हम लोग रखेंगे तो कुछ आपका अलग कंक्लूजन निकल कर आएगा। किस तरीके से, जो आपका टी वन है वो एज इट इज रहने दो, बाकी T2, T3, T4, T5 ये सबको क्या करो, T1 के फॉर्मेट में ले आते हैं। मतलब यहां पर जितने भी टेम्परेचर है सभी को हम लोग क्या है, किसी एक टर्म्स में लाने की कोशिश करते हैं, और मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं क्या कि यहां पर जितने भी आपके टेम्परेचर के रेंज दिए हुए हैं उसको हमको T1 के फॉर्मेट में लेके आना है। मतलब T5 को भी T1 के फॉर्मेट में लेके आएंगे, T4 हो गया, T3 हो गया, T2 हो गया, सभी को हम लोग क्या करेंगे, T1 के फॉर्मेट में लाएंगे। और अल्टीमेटली मैं भी अब यही करने वाला हूं, जो अलग अलग हमारा टेम्परेचर का रेंज दिया है उस पर हम लोग प्लेस करते हैं। तो वन बाई वन हम लोग प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं, और जैसे जैसे हम लोग प्रोसेस की तरफ मूव करेंगे हमको समझ में आएगा। तो पहला अगर आप देखेंगे तो ये आपका प्रोसेस वन से टू, तो वन से टू प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं और देखिए हमारा क्या मिलेगा। तो देखिए यहां पर अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, दिस इज प्रोसेस वन से टू। तो वन से टू प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो हमारा कौन सा प्रोसेस है, जो हमारा प्रोसेस वन से टू की तरफ दिख रहा है, ये हमारा प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो ध्यान रखिएगा यहां पर हम लोग वन से टू के बीच में क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, टी टू बाई टी वन इक्वल टू, यहां पर लिखा जा सकता है वी वन बाई वी टू की पावर गामा माइनस वन, क्लियर। और V1 by V2 को अगेन हम लोग क्या लिख सकते हैं, R, तो यहां पर हमने लिख दिया R की पावर गामा माइनस वन, और फाइनली आप देखोगे तो T2 इक्वल टू हमको मिल सकता है क्या, T1 into R की पावर गामा माइनस वन, क्लियर है। तो ये जो हमको दिख रहा है ये हमारा T2, देखो T2 की वैल्यू में लेके आ चुका हूं T1 के फॉर्मेट में। इसी तरीके से हमको क्या करना है, T3, T4, T5 सभी को हमको T1 के फॉर्मेट में लाना है। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या दिखेगा हम लोग को, जैसे T2 निकाला है तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस 2 से 3 के बीच में मूव करते हैं, और 2 से 3 के बीच में देखते हैं कि हमारा किस तरीके का प्रोसेस आएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये जो आपका प्रोसेस है 2 से 3 के बीच में, तो मुझे यहां पर कुछ पोर्शन रफ करना पड़ेगा। तो ये जो हमारे पास रेशियो आया हुआ है इस रेशियो को थोड़ा डिफाइन करते हैं, और यहां पर देखिए ये वाला पोर्शन मैं कर रहा हूं रफ, ठीक है, ये वाले पोर्शन का भी जरूरत नहीं है, इधर कुछ चीजें जरूरत पड़ने वाली है हमें। तो यहां पर देखो थोड़ा सा लेंदी जाएगा डेरिवेशन, बट इजी है, क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं,
प्रोसेस हमारा नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं टू से थ्री को लेके। तो यहां पर देखिए प्रोसेस आपका टू से थ्री, तो टू से थ्री के बीच में आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा टू से थ्री दैट इज द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब सुनो, कई लोग क्या है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है फिर भी अंधाधुंध फॉर्मूला लगाते हैं पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब ये फॉर्मूला यहां नहीं लगेगा क्योंकि दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस। यहां पर हमारा जो प्रोसेस है ये हमारा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए अगर हमको याद हो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस क्या होता है, पी प्रोपोर्शनल टू टी। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, टी थ्री बाई टी टू। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज टी थ्री बाई टी टू इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज इक्वल टू पी थ्री बाई पी टू। तो यहां पर अब देखिए मैं टी थ्री को भी टी वन के फॉर्मेट में लाना चाह रहा हूं, तो पी थ्री बाई पी टू, पी थ्री बाई पी टू को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा। तो यहां पर आगे पढ़िए, तो यहां पर देखिए लिख सकते हैं क्या, टी थ्री इक्वल टू मैं लिख सकता हूं टी टू इन टू पी थ्री बाई पी टू, पी थ्री बाई पी टू आपको ये है और यहां पर आपको क्या दिख रहा है, अल्फा। अब देखिए यहां पर ये जो आपका टी टू है इसको भी क्या है, टी थ्री को टी वन के फॉर्मेट में लाना है। तो देखो टी टू की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, इसी को उठा के यहां पर रख दीजिए, तो फाइनली आपको क्या दिखेगा, टी थ्री, टी थ्री इक्वल टू टी टू की वैल्यू क्या आएगी, ये टी वन इंटू आर की पावर, टी वन इंटू आर की पावर गामा माइनस वन और इंटू ये टी टू की वैल्यू मैंने रखा हुआ है और ये हमने क्या रखा हुआ है, अल्फा। तो ये जो हमको वैल्यू आया हुआ है किसका आया हुआ है, टी थ्री का आया हुआ है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो एक हमको टी थ्री का भी वैल्यू मिल चुका है, टी टू भी आ चुका है, टी थ्री भी आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टी फोर की वैल्यू के साथ। अब T4 की वैल्यू के लिए हमको अगेन कौन से प्रोसेस में मूव करना पड़ेगा, 3 टू 4, और 3 टू 4 हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोसेस, और ये हमारा जो प्रोसेस है नेक्स्ट है हमारे पास 3 टू 4, एंड 3 टू 4 प्रोसेस इज द कांस्टेंट, कौन सा प्रोसेस है ये आपका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है और ये आपका क्या है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट। तो यहां पर भी अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ जाओगे तो क्या मिलेगा, V प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है, चार्ल्स लॉ है ये। तो यहां पर अब देखिए अब मुझे क्या करना है, टेम्परेचर का फॉर्मेट निकालना है T4 की वैल्यू। तो यहां पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, T4 by T3, यहां पे लिखते हैं, देखो ये मैं लिख रहा हूं T4 by T3 इक्वल टू मैं लिख सकता हूं क्या, V4 by V3, क्लियर। अब सुनिए T4, T4 की वैल्यू मुझे निकालनी है T1 के फॉर्म में, तो T4 इक्वल टू पहले तो हम लोग लिख लेते हैं क्या, ये हमारा पोर्शन आया T3 into V4 by V3, इसका कुछ जुगाड़ लगाओ, V4 by V3, V4 by V3 का क्या है, रो है, तो यहां पर हमने लिख दिया क्या, रो, ठीक है। अब सुनो हमको T4 को क्या करना है, T1 के फॉर्मेट में लाना है, तो T4 की वैल्यू ये आ चुकी है, सीधा उठा के हम वैल्यू रख देंगे, तो फाइनली आप देखोगे तो T1 की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, T3 की वैल्यू पूरा एज इट इज रख दो, T1 इंटू आर की पावर गामा माइनस वन इंटू अल्फा, ठीक है, ये मैंने पूरा का पूरा T3 की वैल्यू यहां से रखी है, इंटू आपका रो है, तो ये हमारा रह गया रो। तो ये जो हमको मिला, ये हमको मिला T1 की वैल्यू, कहानी क्लियर है यहां तक। तो फाइनली ये जो आपको वैल्यू मिला है T4 का वैल्यू, तो ये याद रखिए T4 भी हमारा T1 के फॉर्मेट में आ चुका है। अब एक लास्ट रह गया T5, T5 को भी T1 के फॉर्मेट में लाते हैं, उसके बाद हम लोग फाइनली क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो T5 की वैल्यू देखिए मैं निकाल रहा हूं यहां पर, ये कंडीशन पे देखो यहां पर क्या होगा, जो हमारा T1 है, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस 4 टू 5 है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोसेस, और ये प्रोसेस हम लोग देखते हैं क्या, 4 टू 5, और 4 टू 5 हमारा कौन सा प्रोसेस है, दिस इज द एक्सपांशन। तो अगेन आप देखोगे तो ये क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा एक्सपांशन प्रोसेस, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगेन अब इस पे आप क्या है, फिर से एडियाबेटिकली प्रोसेस लगा सकते हो, तो मुझे T5 निकालना है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं क्या, T5 by T4 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, V4 by V5, 4 to 5 के बीच में ही चल रहा है, कि पावर गामा माइनस वन, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी फोर बाई वी फाइव, इसका कुछ जुगाड़ लगाओ, V4 by V5, ये फाइनली देखो यही जुगाड़ लगा लगा के तो यहां पर पहुंचे हम लोग। तो यहां पर हम लोग V4 by V5 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा 1 by E का फॉर्मेट लिखा जा सकता है, और यहां पे आप देखोगे तो ये रेशियो हमारे पास आया हुआ है। तो फाइनली देखिए कर क्या रहे हैं, V4 देखिए यहां से मैं निकाल रहा हूं T5, तो T5 इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, T5 अगर हम लोग देखें
तो T5 इक्वल टू ये आपका T4 इनटू V4 बाई V5, V4 बाई V5 यहां पर देखिए, V5 बाई V4 को हमने E लिखा है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बाई E की पावर हम लिख सकते हैं यहां पर गामा माइनस 1। क्लियर है यहां तक, दिस इज गामा माइनस 1। अब T5 को T1 के फॉर्मेट में लाना है, तो T4 की वैल्यू जो निकली हुई है, देखिए यहां पर इस वैल्यू को उठा के मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, तो फाइनली यहां पे जब आप T5 निकालोगे तो T5 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये जब हम लोग T5 निकालेंगे तो T4 की वैल्यू आप वहां पे रखते हैं क्या, ये हमारे पास मिला हुआ है देखो T1 इंटू आर की पावर गामा माइनस 1, आर की पावर गामा माइनस 1 इंटू आपको मिला हुआ है अल्फा इंटू मिला हुआ है रो, और फाइनली ये देखोगे तो यहां पर आपको मिला हुआ है 1 बाई ई की पावर गामा माइनस 1। समझ में आया, 1 बाई ई की पावर गामा माइनस 1, ये क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको और आगे सिंप्लीफाई करिए, आर की पावर गामा माइनस 1 और ई की पावर गामा माइनस 1, तो यहां पे अगर आप बात करोगे तो थोड़ा सा डायग्राम को रफ करते हैं और देखिए यहां पर फाइनली क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा T5 इक्वल टू दिस इज T1 इंटू अल्फा रो को एक साइड हमने कर दिया है, और ये आपको मिलेगा R बाई ई की पावर गामा माइनस 1। R बाई ई को जुगाड़ लग रहा है क्या, R बाई ई को हम लोग क्या लग सकते हैं, रो लिख सकते हैं, देखो R बाई ई डेट इज इक्वल टू रो, तो यहां पर फाइनली R बाई ई को हम लोग लिख सकते हैं रो, तो यहां पर इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर देखिए नीचे टर्म्स को लिख रहा हूं, ये हमको मिलेगा T5 इक्वल टू आपको आएगा T1 इंटू अल्फा इंटू रो, R by E को हमने लिखा है रो, तो ये हमने लिख दिया रो की पावर गामा माइनस 1, x की पावर m इंटू x की पावर n, m प्लस n होगा तो रो, और ये माइनस 1 वाला कहानी खत्म है, और फाइनली T5 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, T1 इंटू अल्फा इंटू रो की पावर गामा। तो ये आपको फाइनली T5 की वैल्यू भी किस फॉर्मेट में आ चुकी है, T1 के फॉर्म में, ठीक है। अब फाइनली करना क्या है हमारे पास, अगर आप देखोगे तो हमारा मेन एम यही चल रहा था क्या, कि ये सभी का सभी जो वैल्यू है ये ड्यूअल साइकिल के एफिशिएंसी में T5 भी T1 के फॉर्मेट में आ चुका है, T1 आपको एज इट इज रखना है, T4 भी हमारा आ चुका है T1 के फॉर्मेट में, T3 भी T1 के फॉर्मेट में आ चुका है, T3 एंड T2 भी आपका क्या है T1 के फॉर्मेट में आ गया है। अब आपको फाइनली करना क्या है, अब आप ये इस चीज को, ये जितने भी हमने टेम्परेचर की वैल्यू निकाली है चुपचाप उठा के इसमें पुटअप करिए, और फाइनली वी गॉट द फाइनल एफिशिएंसी फॉर ड्यूअल साइकिल। तो देखिए होगा क्या, यहां पर इस पोर्शन को अब रफ किया जाए, और अब मैं ये वैल्यू को 1 by 1 पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं, जो आपको ए बी सी डी देना है जो भी है। तो यहां पर देखिए फाइनली हमको क्या मिलेगा, इस पोर्शन को भी रफ करो और देखिए यहां पे फाइनली हम लोग करने क्या वाले हैं। तो इसको मान लीजिए कि मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, और यहां पर हम लोग देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आपको क्या दिखेगा, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा ड्यूअल साइकिल का एफिशिएंसी, अब इसी में पूरी वैल्यू रखनी है, तो यहां पे हम लोग रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा ड्यूअल साइकिल में। अब देखिए 1 by 1 वैल्यू रख रहा हूं, T5 - T1, T5 की वैल्यू हम लोग यहां निकाल चुके हैं, रखते हैं वैल्यू, ये आपको आएगा देखो T1 इंटू दिस इज द अल्फा, तो यहां पर हमने लिखा अल्फा इंटू रो की पावर गामा, ठीक है। माइनस यहां पर क्या है T1, 1 माइनस के साथ है तो 1 मैंने लिख दिया माइनस, अब मैं रख रहा हूं यहां पर T1 इंटू रो इंटू, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या अल्फा इंटू रो रख लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा इंटू रो की पावर गामा। क्लियर है, तो अभी मैंने जो रखा है वो T5 की वैल्यू पूरा रखा है, माइनस T1 है तो माइनस यहां पर हमने लिख दिया T1, तो ये अभी हमने रख दिया है ऊपर की वैल्यू। नीचे आओ, डेनोमिनेटर में क्या रखोगे, गामा, गामा को तो आपको छेड़खानी नहीं करना है तो गामा एज इट इज रहने दो यहां पर, और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं T4 की वैल्यू, T4 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, ये हमने निकाला हुआ है दिस इज T1 इंटू, ये हमारे पास है T1 इंटू आर की पावर गामा माइनस 1, यहां तक क्लियर है, इंटू अल्फा इंटू रो इंटू अल्फा इंटू रो, ये अभी हमने रखा है T4 की वैल्यू, माइनस T3, माइनस T3 की वैल्यू क्या रखोगे, ये T1 इंटू अल्फा इंटू आर की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये अभी जो हमने वैल्यू रखा हुआ है, ये वैल्यू हमने रखा है T4 बाई T3 का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं T3 बाई T2 की वैल्यू रखनी है, तो यहीं पर मैं नीचे रखता हूं T3 की वैल्यू हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास देखेंगे फिर से यही वैल्यू है टी वन इंटू अल्फा इंटू आर की पावर गामा माइनस वन माइनस ऑफ। अब यहां पे रखते हैं टी टू की वैल्यू, टी टू की वैल्यू क्या रखोगे, ये टी वन इंटू आर की पावर गामा माइनस वन, तो ये हमने रख दिया टी वन इंटू आर की पावर गामा माइनस वन। क्लियर, तो ये अभी हमने वैल्यू रखा हुआ है। सबसे पहला चीज आप देखिए, सभी में आपको टी वन कॉमन दिख रहा है, ठीक है। देखो यहां पर ये टी वन कॉमन है, ये भी कॉमन टी वन, ये भी कॉमन है टी वन, ये भी टी वन है, ये भी टी वन, सभी टर्म्स में आपको टी वन है। तो टी वन को मैं कॉमन निकाल रहा हूं और डायरेक्ट उसका कहानी खत्म है। तो अब आप देखोगे यहां पर, तो ये हमारे पास जो ड्यूअल साइकिल की एफिशिएंसी, फिर से आप देखिए तो क्या क्या चीजें बच रही है यहां पर, देखिए क्या होगा, वन माइनस टी वन की कहानी खत्म है, तो अल्फा इंटू रो की पावर गामा, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा वन, ये क्लियर है यहां तक, डिवाइड बाई। अब आइए यहां पर आपको क्या मिलेगा, अब इस टर्म्स को देखिए, मैं यहां पर T1 का कहानी तो खत्म है, गामा आपका तो पहले से बाहर है, देखो नीचे R की पावर गामा माइनस वन, यहां पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है R की पावर गामा माइनस वन, ये है R की पावर गामा माइनस वन, R की पावर, R की पावर वही दिख रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, सीधा सीधा R की पावर गामा माइनस वन को ले लो बाहर, तो ये हमने R की पावर गामा माइनस वन को लिया बाहर। अब देखिए क्या क्या बचा अंदर, ये आपको बचा अल्फा इंटू रो, तो अल्फा इंटू ये हो गया आपका रो माइनस, यहां पे आप देखोगे आर की पावर गामा माइनस वन खत्म है, तो ये आपको रह गया अल्फा। क्लियर, तो यहां पर एक ऐसा काम करते हैं, ये आपका ब्रैकेट में अल्फा इंटू रो माइनस अल्फा, ठीक है, दिस इज द गामा माइनस वन है, और यहां पर आप देखिए इंटू ये आपको क्या बचेगा, यहां पर ये आप देखोगे तो यहां पर आपको क्या बचेगा, अगेन टी वन खत्म है, आर की पावर गामा माइनस वन खत्म है, तो यहां पर आपको बचा दिस इज अल्फा, और ये पूरा टर्म्स खत्म हो गया, तो अल्फा माइनस वन। क्लियर है यहां तक, तो अब देखो फाइनली यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करिए क्या मिलेगा आपको, तो यहां पर रो की गामा इंटू आर की पावर गामा माइनस वन, तो यहां पर आप देखिए फाइनली ये हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इस वैल्यू में आपको क्या मिलेगा, ऊपर वाला टर्म्स तो एज इट इज है, तो वन माइनस ये आपको टर्म्स एज इट इज लिख रहे हैं अल्फा इंटू रो की पावर गामा माइनस वन। क्लियर है यहां तक, डिवाइड बाई। अब आइए नीचे क्या क्या टर्म्स हमारे पास बच रहे हैं, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये तो आपका गामा है बिल्कुल, ये आपका आ जाएगा आर की पावर गामा माइनस वन हो गया, यहां पर अल्फा अगर आप कॉमन निकालते हो तो अल्फा कॉमन निकालोगे तो आपको क्या बचेगा, यहां पर आपको बचेगा क्या, दिस इज द रो माइनस वन, ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया रो माइनस वन, और यहां पर फाइनली देखोगे तो क्या बचा आपको, दिस इज द अल्फा माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली जो है ड्यूअल साइकिल की एफिशिएंसी आई हुई है, और इस पे अगर हम लोग बात करें तो देखो ये हमारा जो आया हुआ है दिस इज द अल्फा माइनस वन, ये हमारे पास फाइनली एफिशिएंसी निकल कर आई हुई है, ठीक है। अब बात है कि इतना लंबा चौड़ा एफिशिएंसी कौन याद रखे, ठीक है। दूसरा चीज, अगर आप डिराइव कर रहे हो और भूले भटके कुछ मिस्टेक हो गया तो भी हमारे पास प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ये एफिशिएंसी याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है, वो कोई कंसेप्ट नहीं है, जस्ट एक ट्रिक बता रहा हूं ताकि ये चीजें आपको याद हो सके। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, बिल्कुल इजी टर्म्स में लिख रहा हूं। करना क्या है देखिए, यहां पर ड्यूअल साइकिल का एफिशिएंसी है, ये बताओ आपको ऑटो का याद है, मैं ये मान सकता हूं कि डीजल का आपको याद नहीं होगा, तो डीजल भी अभी याद हो जाएगा, लेकिन ऑटो का तो याद होगा, ठीक है, और ऑटो का याद नहीं है तो पहले आपको ऑटो याद करना पड़ेगा। तो पहले ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी बताओ, वन माइनस वन बाई आर की पावर गामा माइनस वन। क्लियर है यहां तक, ये चीज हमने जो लिखा है दिस इज फॉर ड्यूअल साइकिल एफिशिएंसी। क्लियर है यहां तक, या ऑटो साइकिल एफिशिएंसी। अब हम लोग डीजल के लिए क्या करते थे, यहां पर अगर मैं बात करूं डीजल के लिए, तो डीजल में हमारा क्या होता था, यहां पर हम लोग क्या करते थे, रो माइनस वन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, तो ये हमने रो माइनस वन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और इसके बाद यहां ऊपर लगाए तो पावर में गामा, और नीचे लिखे तो बगल में गामा, ये जो मैंने लिखा है अभी डीजल साइकिल का है, ठीक है, यही ऑटो लिखा हूं, इसी को डीजल बनाया हूं, अब इसी को ड्यूअल भी बनाऊंगा, ठीक है। करना क्या है आपको, अब देखिए आपको करना क्या है यहां पर, अब ड्यूअल बनाने के लिए ये ब्रैकेट को हटाइए थोड़ा सा, और ये जो आपका रो है यहां पर अल्फा का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होगा, और याद रखिएगा अल्फा का नीचे मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन किया है, जब नीचे आओगे तो अल्फा का पूरा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और यहां पे नेक्स्ट अगर बात करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, प्लस अल्फा माइनस वन। क्लियर है यहां तक, एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको साइन मिला हुआ है प्लस, ठीक है,
तो ये वाला जो साइन है दिस इज प्लस साइन, और यहां पर भी आपको जो आएगा ये आपको मिलेगा प्लस साइन। तो यहां पर देखोगे तो ये भी आपको आएगा दिस इज द प्लस साइन, और यहां पर आप देखिए तो फाइनली आपको मिलेगा दिस इज द एफिशिएंसी फॉर ड्यूअल साइकिल। तो ये आपको जो मिला है ड्यूअल साइकिल का एफिशिएंसी है। ज्यादातर जो आप कंफ्यूज हो सकते हो आपको बता दे रहा हूं, ये जो अल्फा है ये ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई करके देता है, तो इस चीज को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी तो ये आपका एज इट इज है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये हमारा जो एफिशिएंसी आया हुआ है दिस इज फॉर ड्यूअल साइकिल एफिशिएंसी, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है। आपको करना क्या है, फाइनली सभी टेम्परेचर को एक सिंगल टेम्परेचर के टर्म्स में लाना है, और उसको उठाने के बाद सीधा ये वैल्यू यहां पर पुट करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।